आपको सीधे गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी विप्राइस सीएम ने नई चीनी मिल का शुभारंभ किया है और अब संबोधित कर रहे हैं। बंद पड़े उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बना करके अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। धोनी से पेड़ा प्राप्त करते हुए प्रदेश में जब सरकार आई थी, हमारी सरकार ने पहला कार्य किया था उपेक्षित और निराश हताश किसान का, लघु और सीमांत किसानों का 1,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ करने का कार्य हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर करने का कार्य किया था। लाखों किसान उससे लाभान्वित हुए थे और उसके बाद बंद पड़ी हुई योजनाओं को एक एक करके आगे बढ़ाने। और आज मुझे प्रसन्नता है कि अभी पिछले महीने मुझे बागपत में रमाला चीनी मिल को इसी तर्ज पर चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज पिपराइस की चीनी मिल को हम नए सिरे से लोकार्पित करते हुए आप सभी किसान भाइयों को अर्पित कर रहे हैं। ये किसानों की खुशहाली का आधार बनेगा, नौजवानों की नौकरी और रोजगार का आधार बनेगा। पिपराइस और गोरखपुर कुशीनगर महाराजगंज देवरिया के विकास का आधार बनेगा। किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा, उनके पाई पाई गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज एक बार पुनः हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में पूरी मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है पिछली सरकारें किसानों की कितनी उपेक्षा करती थी, 6-6 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था किसानों का। और आज मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार 2.5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा की है, अब तक हम लोगों ने 76,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। लोग कौतूहल आश्चर्य कर रहे हैं, जब दुनिया में मंदी है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चीनी के दाम कम है, उन स्थितियों में प्रदेश के अंदर 76,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान। और ये 76,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान जितना हमने यहां के किसानों के खाते में देकर के किया है, 76,000 करोड़ प्रदेश देश के अंदर कई राज्यों का सालाना बजट नहीं है, इतना हमने अकेले प्रदेश के अंदर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया था। मुझे याद है चीनी मिलें जब बंद होती थी हम लोग यहां आंदोलन करते थे। इस क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त रहा है श्री ललन त्रिपाठी जी यहां से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने उस समय चीनी मिल को किसी प्रकार से चलाने का कार्य और अपने कार्यकाल के दौरान इस जिस प्रांगण में आज हमारी सभा हो रही है, उन्होंने यहां पर एक नई चीनी मिल लगाने की कार्रवाई के लिए उस समय इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। लेकिन भाइयों बहनों, 91 से लेकर के अब तक 28 साल हो गए, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि नई चीनी मिल लग सके। और मैं बधाई दूंगा आज श्री नंदन त्रिपाठी जी भी इस मंच पर है, यहाँ के आज के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल जी भी यहाँ मंच पर है, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी भी यहाँ मंच पर है और सचमुच यहाँ के हमारे जितने भी माननीय सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, इन सभी ने सबकी चिंता थी कि चीनी उद्योग फिर से पुनर्स्थापित हो सके, इसको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को 26 वर्षों से बंद कारखाने को 2016 में उसका शिलान्यास रखा और हम अगले वर्ष के अंत तक गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का कार्य पूरा कर देंगे। तो उसी तर्क पर हम लोगों ने पिपराइस चीनी मिल को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गोरखपुर में विकास दिखता है, ये विकास एम्स सिटी के रूप में गोरखपुर की पहचान। फर्टिलाइजर जो बंद हो चुका था, लोग निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे कि कभी नहीं चलेगा, आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल रहा है। एक प्राकृतिक झील रामगढ़ ताल के रूप में यहां के पूर्वजों ने विरासत में गोरखपुर को दी थी, लेकिन गोरखपुर का जितना सीवर था, जितना ड्रेनेज था, उस ताल में गिरता था, आज ताल फिर से अपनी प्राकृतिक छटा के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और मुझे तो लगता है कि सचमुच रवि किशन जी के लिए तो फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अच्छा सेंटर अगर कोई बन गया है तो वह
रामगढ़ ताल बन गया है, इनको करना चाहिए। शीतल पांडे जी को हीरो बनाए फिल्म में, उनकी फिल्म इतनी हिट हो जाएगी कि मुझे लगता है कि पिक्चर हॉलों में फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। और रामगढ़ ताल के किनारे बनाए वो, बहुत विकसित और बहुत खूबसूरती उसके साथ जुड़ी है। गोरखपुर के इतिहास को हम लोगों ने लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा है, फोर लेन की लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, मैं देख रहा था, मैं जब मैं सांसद था मैंने एक बार लव सिंह को फोन किया, पता लगा लव सिंह नहीं है। मैंने कहां गए, कहा कि पिपराइस नगर में गए हैं फोन अपना चार्ज कराने के लिए। आप सोचिए उनका गांव कहां है और पिपराइस कहां नगर है। तो मैंने कहा क्या पिपराइस नगर में बिजली मिलती है, कहा ना वहां भी बैटरी से चार्ज कराएंगे। भाइयों बहनों, पहले बिजली नहीं थी, आज हम बिजली दे रहे हैं, भरपूर बिजली दे रहे हैं। आज हम लोग अच्छी सड़कें दे रहे हैं, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं, किसानों के धान को, गेहूं को, दलहन को, तिलहन को, मकई को क्रय की व्यवस्था कर रहे हैं, शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और आज इस दिशा में हर एक व्यक्ति निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ करके विराट सोच के साथ कार्य कर रहा है। और उस विराट सोच के साथ जब हम सोच और लक्ष्य बढ़ा रखते हैं, उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार का प्रयास होता है तो बड़ी सफलता भी प्राप्त होती है। और उस बड़ी सफलता को प्राप्त करने की दिशा में यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कार्यक्रम, जो मंशा पिपराइच में चीनी मिल और ललन त्रिपाठी जी ने 1991 में जो सपना देखा था, आज मैं अभिनंदन करूंगा इसी मंच पर ललन त्रिपाठी जी का, जब इस मंच पर हैं। और इस मंच पर इसलिए क्योंकि उन्होंने 1991 में देखा था, आज वे काफी वरिष्ठ हैं। लेकिन चीनी मिल आज प्रारंभ हो रही है, यहां के अपने इन सभी कार्यकर्ताओं का, एक एक कार्यकर्ता का नाम लूंगा बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जितने भी यहां पे भाजपा इंडिया वाहिनी के कार्यकर्ता थे, ये सभी लोग इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़े थे। चाहे वह संघर्षमणि उपाध्याय है, आनंद साई है, वीरेंद्र पाठक है, लव सिंह है, मनमोहन सिंह है, यानी जितने भी कार्यकर्ता थे, एक एक कार्यकर्ता आंदोलन के लिए यहां पर हम लोग धरने में बैठते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चीनी मिल फिर से चल रही है और द्रुत गति से आगे बढ़ने का कार्य करेगी। आज जब चीनी मिल को यहां पर हम फिर से लोकार्पित आपके लिए कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर आप सबसे भी अपील करूंगा, सरकार अपना कार्य कर रही है, केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन हम सब भी शासन की योजनाओं के साथ जुड़े, ये अपील आप सबसे करने के लिए आया हूं। और सबसे पहली अपील तो मेरी आप सबसे होगी, ये धरती माता हमें अन्न देती है, ये धरती माता हमारा पेट भरती है, हमने इसे मां कहा है। और सबसे पहली अपील मेरी आप सबसे होगी कि धरती माता की उर्वरता बनी रहेगी, कि धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करने की, उत्पादन करने की क्षमता रखती है। आधुनिक तकनीक हम देंगे, आधुनिक बीज हम समय पर देंगे, कृषि मंत्री स्वयं इस मंच पर हैं, श्री सूर्य प्रताप शाही जी। लेकिन आप सबसे मेरी अपील होगी और अपील इस बात के लिए, आप जब यहां कार्यक्रम में आए, हर किसान भाइयों से, प्रदेश के अंदर किसान भाई से मेरी अपील होगी, आप देख रहे होंगे पिछले 15 दिनों से एक मामला बहुत तेजी के साथ उछला हुआ है और वह है स्मॉग का, प्रदूषण का। ये प्रदूषण कहां से, धान काट करके पराली में आग लगा देना, इसके कारण प्रदूषण पैदा हो रहा है, श्वास की बीमारी हो रही है, असमय लोग मर रहे हैं। जब श्वास की परेशानी होगी, फेफड़े प्रभावित होंगे, बीमारियां होंगी, इसको रोकने की आवश्यकता है। और मेरी अपील होगी धान की पराली पर भी आग नहीं लगाएंगे, और साथ साथ गन्ना की जो पत्तियां आप छाटेंगे उस पर भी आग नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका कंपोस्ट बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं, आग नहीं लगाएंगे ना, सभी मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की।
यानी आप सब मेरे साथ संकल्पित हुए हैं, प्रदेश का हर किसान मेरे साथ संकल्पित हुआ है कि हम धरती माता के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का द्रोह नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो भी पराली होगी, जो भी पत्तियां निकलेंगी, खरपतवार जो भी निकलेगा उसको एक जगह गड्ढा करके उसमें रख देंगे, डंप कर देंगे, उसको ढक देंगे, अपने आप वो एक बार कंपोस्ट बन करके अगले वर्ष आपके खेती की उर्वरता को और तेज कर देगा। इसलिए कोई भी पराली पर आग न लगाए, एक अपील आप सबसे मैं कर रहा हूं। दूसरा, हम लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म भी दिया है, बैग दिया है, बुक्स दिया है, जूते मोजे दिए हैं और इस समय स्वेटर वितरण के लिए भी आदेश दिया है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, अपने अपने गांव में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो हमारा प्रयास होना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए, उस बच्चे को स्कूल भेजना ये हमारा दायित्व तो भी है। और हम प्रयास करें कि जो सरकार ने व्यवस्था दी है उन बच्चों को ये स्वेटर समय पर मिल जाए, इसके लिए संबंधित विद्यालय और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके एक ठोस कार्य योजना बनाना। तीसरा, पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद के लिए हम लोगों ने सर्दियों में गरीबों को कंबल वितरण के लिए भी धनराशि दी है, एक कंबल की राशि। हम लोगों ने गोरखपुर में बंद कंबल कारखाना पिछले वर्ष प्रारंभ कर दिया है, अच्छा मोटा कंबल मिलना चाहिए गरीब को, लेकिन जरूरतमंद को मिले, खैरात के रूप में नहीं, बल्कि हम इसको बांटने की व्यवस्था उन लोगों को दें जो जरूरतमंद हो। और इसके लिए हर प्रकार का जनप्रतिनिधि और समाज का प्रभुत्व जन अगर आगे आ जाएगा तो इसको बहुत अच्छे ढंग से हम उन जरूरतमंदों को देने में सफल हो जाएंगे। तीसरा, जितने भी नगर निकाय हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई पटरी में खुले में सोने के लिए मजबूर ना हो, केवल सर्दियों में ही नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि रेल बसेरा हर नगर निकाय में बने और हर नगर निकाय में रहने की व्यवस्था उस हर व्यक्ति के लिए, कोई मजदूरी करने के लिए आया है, कोई ठेला खोमचा लगाने के लिए आया है, उसके रहने की व्यवस्था रेल बसेरों में अनिवार्य रूप से हो, इसे हम करें। इस विश्वास के साथ अभी सरकार ने एक नई योजना लागू की है और वह योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अभी यहां पर परसों आप सब ने 14 तारीख को सामूहिक विवाह योजना में भाग लिए होंगे, गोरखपुर में हुआ था, पूरे प्रदेश के अंदर एक दिन में 21,000 गरीब कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर हुई थी। कन्या की शादी का मतलब आप जानते हैं, कई यज्ञों का फल प्राप्त होना। मैं भी पीलीभीत में गया था, 525 बालिकाओं का विवाह हुआ था वहां पर, एक ही जगह, एक जगह अलग अलग मंडप बने थे, 18 मुस्लिम बालिकाओं की शादी थी, शेष हिंदू बालिकाओं की शादी, और पूरे प्रदेश के अंदर 21,000 बालिकाओं की शादी हुई थी। एक कन्या सामूहिक विवाह योजना, जो गरीब परिवार हैं, बालिका दहेज जैसी कुप्रथा के कारण अगर उसका शादी विवाह नहीं हो रहा है, हम लोगों ने कहा पहले गांव में व्यवस्था होती थी ना कि गांव की बेटी सबकी बेटी, और गांव की बेटी सबकी बेटी का मतलब प्रदेश की बेटी है तो सबकी बेटी होगी, और इसलिए इस योजना को एक साथ हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया। एक दिन में 21,000 कन्याओं की शादी संपन्न हुई, और इसी विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटा और बेटी में भेद नहीं होगा, हम लोगों ने इसीलिए
ये व्यवस्था भी थी। बहुत बार मैं देखता था कि बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, बेटी को बेसिक शिक्षा के स्कूल में पढ़ाते थे। हमने कहा बेटियों के लिए भी और बेसिक शिक्षा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी यूनिफॉर्म हम देंगे, जूता मोजा भी देंगे, उनका पाठ्यक्रम भी अच्छा बनाएंगे। जो पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा होगा वहां तो पढ़ाएंगे, लेकिन जो वहां नहीं पढ़ाया जा रहा है वह भी पढ़ाने की व्यवस्था करके योग्य अपने छात्रों को योग्य बना करके देश को योग्य नागरिक देंगे। और इसीलिए बेटा और बेटी में भेद न हो, यह व्यवस्था पहले स्कूलों में की और अब बेटी के पैदा होने से लेकर के किसी डिप्लोमा और डिग्री कोर्स को लेने तक सरकार उसे हर स्टेज में पैसा देगी। बेटी पैदा होगी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 2000 रुपए आपको उस बेटी के नाम पर मिल जाएंगे। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार की टीकाओं से आच्छादित आप करेंगे, 1000 रुपए सरकार की ओर से फिर से उस बेटी के नाम से आ जाएंगे। और बेटी पहली क्लास में जाएगी, पहली क्लास में जाने पर उस बेटी को प्रवेश होते ही फिर से 2000 रुपए का रुपया उसके खाते में आ जाएगा। वो छठी क्लास में जाएगी तो भी 2000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएगा, 9वीं क्लास में जाएगी 3000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएगा, और जब उसके बाद कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करेगी तो 5000 रुपये फिर उसके अकाउंट में आ जाएगा। यानी 15000 रुपये हम उस बेटी को डिप्लोमा या डिग्री कोर्स तक सरकार उपलब्ध कराएगी। और साथ साथ यही व्यवस्था की है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51000 रुपये हर बेटी को प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी, शादी के लिए, उसकी शादी के लिए उस परिवार को उपलब्ध कराएगी। इन सभी योजनाओं में हमें भाग लेना होगा, देखना पड़ेगा सक्रियता के साथ, जो जरूरतमंद है उनको इनका लाभ मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आप सब इन योजनाओं के साथ जुड़े। हमने पहले व्यवस्था बनाई है जितने वृद्धजन हैं पात्रता की श्रेणी में उनको पेंशन मिलेगी, जितनी विधवा महिलाएं होंगी आयु सीमा समाप्त उनको पेंशन मिलना चाहिए, जितने दिव्यांगजन होंगे उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और हम एक अभियान चला करके इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक दें। एक जिस कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर बोलते हैं, और वह है स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से तमाम प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों को हमेशा के लिए समाप्त करना। मैं अभिनंदन करूंगा गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के सभी नागरिकों का जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की। 90% मौत के आंकड़े कम हुए हैं। इसका कारण क्या है? स्वच्छता, गंदगी ना होने दें। ये प्लास्टिक की जो कैरी बैग है, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका उपयोग बंद कर दीजिए। प्लास्टिक के प्लेट, कप, पॉलिथीन, इन सबको पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और इसका उपयोग भी ना करें। पूरी क्राइम को रोके, और इनको रोकने के साथ ही हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम पर्यावरण की भी क्षति नहीं होने देंगे और मानव स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गांव गांव में सफाई का अभियान चलने चाहिए, जल जमाव ना हो, गांव के तालाब में गांव के गंदे पानी, ड्रेनेज का पानी, गांव की नाली का पानी गांव के तालाब में न जाए, गांव का तालाब साफ सुथरा हो। इस व्यवस्था को अगर हम आगे बढ़ा सकेंगे भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता, बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। न केवल इंसेफ्लाइटिस पर, अगर जल जमाव नहीं और गंदगी नहीं है तो डेंगू भी नहीं हो सकता है। डेंगू पैर फैला रहा है इसलिए क्योंकि जल जमाव जहां तहां होता है, हम सफाई पे ध्यान नहीं देते। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बने। ये वर्तमान में फिर से 15 दिन का एक नया ड्राइव प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसमें हम लोगों ने ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला और बाल विकास, इन सभी विभागों को जोड़ करके स्पेशल अभियान के साथ जुड़ करके
हम डेंगू जैसी बीमारियों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और इससे होने वाली जन और धन की हानि को भी रोक सकते हैं। एक बार पुनः पिपराइच में इस चीनी मिल के फिर से नए सिरे से प्रारंभ होने, नई चीनी मिल आप सबको मिलने पर मैं बधाई देता हूं। किसानों का दिया जाएगा तो गन्ना किसानों की पाई पाई का हिसाब होगा, तो कहीं ना कहीं अपने संबोधन में उनका संबोधन किसानों के इर्द गिर्द ही रहा, तो चीनी मिल की बधाई भी देते हुए सीएम योगी नजर आए। तो यहां पर समय से गन्ना किसानों का भुगतान होगा, 6000 किसानों को सालाना दिए जा रहे और इस मिल से किसानों की आय और ज्यादा बढ़ेगी। तो सबका साथ सबका विकास के नारे को हकीकत में बदल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। तो दो दिवसीय गोरखपुर दौरे के दौरान कई सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर वासियों को दी गई और साथ ही कहा कि अब गोरखपुर एक नई पहचान बना रहा है और चुनिंदा क्षेत्रों में अब उसका नाम उभर कर सामने आ रहा है और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और न सिर्फ उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में कहा, बल्कि वो उन चीजों का भी जिक्र करते हुए दिखाई दिए जो फिलहाल आज के वक्त में बेहद अहम मुद्दे और गंभीर बनते जा रहे हैं।